जाइंट व्हाइट लायन वी सुपर रोबोट एंड मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में दो दोस्त रहा थे, एक का नाम महेश था और दूसरे का नाम माधव था। महेश के पास जेसीबी था और दो पास वाली जंगल में लकड़ियां मरने जाते थे। एक दिन दो दोस्त जंगल जाते हैं और लकड़ियां मरने लगते हैं, तभी अचानक भयंकर आवाज सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं और इधर उधार देखने लगते हैं। उदास एक राक्षस आता है, वो राक्षस भयंकर था और इनकी तरफ आ रहा था। राक्षस को देखकर डर कर भागने लगते हैं। और थोड़ी दूर एक बड़ा पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उनकी जेसीबी वही रह जाती है। राक्षस उस जेसीबी को तोड़ देता है और गांव की ओर जाता है। ये देखकर दोनों महेश और माधव जान बचकर गांव के वापस आते हैं। तब महेश माधव से कहता है, माधव ये राक्षस इसी गांव की ओर आ रहा है, हम इधर से भाग जाना चाहते हैं वरना अपनी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन गांव को भी बचाना होगा, लेकिन तुम इस राक्षस का सामना कैसे करोगे? तब माधव अपने वैज्ञानिक मित्र को फोन करता है जो आजकल रोबोट पर रिसर्च कर रहा था। माधव अपना वैज्ञानिक मित्र को सब बता बताता है, मेरा रोबोट अभी उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुझे इसको अपग्रेड करना होगा। ये रोबोट तैयार होने में मुझे कुछ दिन लगेंगे। और इधर राक्षस गांव में आता है और इस राक्षस को देखकर भागने लगते हैं। तब महेश राक्षस को रोकने के लिए पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस की गोली से राक्षस पर कुछ असर नहीं होता। तभी राक्षस पुलिस बल को भगा देता है। इतने में साइंटिस्ट का रोबोट रेडी हो जाता है। तब वैज्ञानिक रोबोट को लेकर गांव में आता है। रोबोट और राक्षस सामने आता है और दोनों में लड़ी शुरू होती है। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, रोबोट थोड़ा कमजोर था। तब वैज्ञानिक रोबोट को जंगल की तरफ जाने को कहता है और रोबोट भागते हुए जंगल की ओर जाता है। जंगल आने के बाद फिर लड़ी शुरू होती है। लेकिन इस बार राक्षस रोबोट को खत्म कर जाता है और राक्षस चले जाता है। साहब महेश और माधव देखते रहते हैं। राक्षस तो खतरनाक निकला, इसने तो रोबोट को भी मार गिराया, अब हमारे गांव को तभी से कोई नहीं बचा सकता। दोनों सोचकर परेशान होने लगे। तभी अचानक वहां विशाल सफेद शेर प्रकट होता है। सफेद शेर को देखकर डर जाता है। ताप शेर कहता है, शेर घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं राक्षस से भी शक्तिशाली हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं। मुझसे एक गलती होगी और मुझे शाप मिला। राक्षस से अपने गांव को बचना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम करना होगा, जिसे मेरा शाप शौर। तुम काली पहाड़ वाले पीछे जंगल जाना होगा और वहां दो रास्ते मिलेंगे। उन दो रास्ते में एक मणि की ओर जाता है और शेर गायब हो जाता है। दोनों उस जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें दो जादुई रास्ते दिखती हैं। एक रास्ते सोने का था, उसके सामने सोने का शेर खड़ा था और दूसरा साधारण था, उस रास्ते में सदान शेर खड़ा था। तब सोने का शेर कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मणि दूंगा और सोना दूंगा जैसे तुम अमीर होगे। तब साधारण शेर कहता है, मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मदद चाहिए। माधव हमें सोने की शेर के साथ जाना चाहिए, तुम्हें उस सफेद शेर की बात याद है ना, अपन पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। तब दोनों साधारण शेर के साथ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सोने की मणि दिखती है। सदारान शेर सफेद शेर में बादल जाता है और कहता है, सफेद शेर
दोनों रास्ते मेरे ही थे, तुम सही रास्ता चुना, अब तुम मणि को ले जा सकते हो। तब दोनों मणि को लेकर जंगल वापस आते हैं और वहां विशाल सफेद शेर प्रकट होता है। उस सफेद शेर के साथ गांव में जाता है। तब वहां राक्षस भी आता है। शेर और राक्षस के बीच में लड़ाई होती है और शेर राक्षस को मार गिरता है।